अब हम नेक्स्ट करेंगे एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज। अब तक हमने एसिड की डेफिनेशन की जो अलग अलग थी 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास के मिक्स करके, और हमने एसिड के क्लासिफिकेशंस किए। देन वी स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, और एक हमने टेबल की कि नेचुरल सब्सटेंस में कौन कौन से टाइप के एसिड पाए जाते हैं। अब हम फाइनली आ गए हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एसिड की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है एसिड की हमारे पास वो है कि ये मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करता है। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। तो देखिए एसिड रिएक्शन करता है मेटल के साथ तो साल्ट बना लेता है। साल्ट का मीनिंग है कोई कंपाउंड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर आती है। यह आपको हमेशा याद रखना है कि एसिड व्हेनेवर रिएक्ट विद मेटल इट गिव्स साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यही रीजन है कि एसिड को कभी भी मेटल के बर्तन में, मेटल के कंटेनर में नहीं रखा जाता, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो वो उस मेटल के साथ रिएक्ट करके वहां पर हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। ठीक है, तो पहले हम जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। जनरल इक्वेशन का मीनिंग होता है कि किस टाइप, एक ढांचा जैसे होता है, फिर हम उसमें वैल्यूज पुट करके देखेंगे। तो जनरल इक्वेशन है आपकी कि मेटल व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड इट गिव्स साल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस आएगी। ये है जनरल इक्वेशन। अब इसमें आप मेटल कोई भी लो, एसिड कोई भी लो, एक साल्ट बनेगा, लेकिन जो फिक्स है वो क्या है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर आएगी ही आएगी। आप एग्जांपल ले लेते हो, मान लीजिए आपने मेटल ले ली जिंक और रिएक्शन करा रहे हो आप H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि आपके पास क्या बनेगा, जिंक सल्फेट साल्ट बनेगा और साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर आपको, सॉरी हाइड्रोजन गैस। आपको पता है H2 अलग निकल ही जाएगा तो क्या बचेगा ये, और जिंक जो है वो आपको पता है हाईली रिएक्टिव होता है, पहले चैप्टर में हमने किया है, तो रिप्लेस कर देगा किसको, हाइड्रोजन को। और जो बात आपको याद रखनी है वो ये कि यही रीजन है कि हम एसिड को किस में नहीं रखते, मेटल कंटेनर में नहीं रखते। तो इसलिए आपको याद रखना है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट पुट एसिड इन मेटल कंटेनर। यही रीजन है कि हम मेटल कंटेनर में इसको नहीं रखते। ये हमारे पास पहला टाइप केमिकल प्रॉपर्टीज का। दूसरी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, दूसरा टाइप जो है केमिकल प्रॉपर्टी का, वो है आपके पास रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, अगर मेटल की ऑक्साइड हो आपके पास, ऑक्साइड का मीनिंग है जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम मेटल है, उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला है CaO। तो याद रखना है आपको कि एसिड जब भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा साल्ट देगा, और साल्ट के साथ क्या देगा, वॉटर देगा। अब देख ध्यान से देखो, मेटल था तो हाइड्रोजन थी। अब आपने क्या किया, मेटल की जगह ले लिया, जनरल इक्वेशन में लिख रहा हूं मेटल ऑक्साइड, और रिएक्शन करा दी उसकी किसके साथ, एसिड के साथ। तो अब क्या बन रहा है, साल्ट, लेकिन गैस की जगह अब क्या आ रहा है, वॉटर बाहर आ रहा है। देखो मेटल और मेटल ऑक्साइड में क्या डिफरेंस है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गई। तो जो बायो प्रोडक्ट बने उनमें भी क्या डिफरेंस आया, जहां पहले हाइड्रोजन था अब वहां पर क्या आ गई, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गई। तो याद करना इजी हो जाएगा कि मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन निकालता है, और अगर मेटल में ऑक्सीजन ऐड करके आपने मेटल ऑक्साइड बना दी तो प्रोडक्ट में भी फिर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड होकर क्या हो जाएगा, वॉटर बन जाएगा। एक एग्जांपल मैं अभी इसका ले देता हूं, मेटल ऑक्साइड आपने मान लो ले ली CaO और एसिड ले लिया HCl। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो आपको पता है वॉटर तो अलग होना ही होना है, वो तो कंफर्म है, पहले ही अलग कर दो अगर आपको रिएक्शन का ना पता लगे तो। प्रोडक्ट में से आपने वॉटर अलग कर दिया, दो एच खत्म कर दिए, ये दो एच गए, एक ओ चला गया, ये ओ चला गया, क्या बचा, सी ए
और कितने दो क्लोरीन, तो सी ए सी एल टू, तो प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी अंडरस्टूड हो जाएगा वहां पर। ये दो टाइप्स हैं आपके पास किसके, केमिकल प्रॉपर्टीज के। अब हम तीसरा टाइप पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज का, रिएक्शन किसके साथ, मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, जिन बच्चों को पहले ना पता हो तो वो चीज आपने नोट कर लेनी कि बाई कार्बोनेट वर्ड आ जाए या हाइड्रोजन कार्बोनेट वर्ड आ जाए वो एक ही बात है। तो रिएक्शन किसके साथ है, तीसरी है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जिसका दूसरा नाम क्या है, बाई कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो पहले जनरल रिएक्शन वही मैं आपको बता देता हूं कि मेटल कार्बोनेट के साथ जब भी कोई एसिड रिएक्ट करेगा तो साल्ट तो बनेगा ही बनेगा, साथ में क्या चीज निकलेगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और क्या निकलता है, वाटर बाहर आता है। तो जनरल रिएक्शन आपने याद रख लेनी है क्या, कि जब भी कोई मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करेगा या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट सेम रहेंगे दोनों के लिए, चाहे मेटल कार्बोनेट लो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लो या फिर बी कार्बोन बाई कार्बोनेट लो, प्रोडक्ट सेम है। तो एसिड के रिएक्ट होने पर क्या प्रोडक्ट आएंगे, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बस मोल्स एक से ज्यादा या मल्टीप्लाई कम ज्यादा होते रहेंगे अगर आपने मेटल कार्बोनेट की जगह हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया है। तो रिएक्शन में आपको दोनों के लिख के दिखा देता हूं, एक बार मेटल कार्बोनेट ले लेता हूं एग्जांपल में और एक बार हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट अगर आप लेते हो तो मेटल कार्बोनेट, मेटल CA, कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3, तो ये आ गया कैल्शियम कार्बोनेट। एसिड के साथ आप रिएक्ट कर रहे हो तो हमने रिएक्ट करा दिया इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2Cl के साथ, पहले ही अंदर सूटेगी CO2 बाहर चला जाएगा और H2 बाहर चला जाएगा, जो बचेगा वो साल्ट। देखो CO2 CO2 एक O बच गया, तो यहां तो ये जगह खाली होगी, अब उस एक O को इस 2H के साथ मिला दे तो क्या आ गया, वाटर आ गया। तो बचा क्या, एक तो बचा कैल्शियम और एक क्लोरीन जो दो है, तो क्या बचा CaCl2। तो इजीली आप प्रोडक्ट का पता लगा सकते हो कि साल्ट क्या बन रहा है। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके पास हाइड्रोजन कार्बोनेट का, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम ले लेते हैं, ये कैल्शियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है ये आपके पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला अपने 9th क्लास की आयंस की टेबल में पड़ा हुआ है, HCO3 1 नेगेटिव, तो ये फॉर्मूला बनेगा। इसकी अगेन रिएक्शन हमने वही 2HCl के साथ कराई, प्रोडक्ट भी वही रहेंगे, बस आपको कहा था मोल्स कम ज्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पर बैलेंसिंग में 2CO2 आएगी और 2 आएगा आपके पास H2O, बाकी सब कुछ सेम। तो ये था हमारे पास तीन टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड की। एक खास बात है जो आपको अब याद रखनी है, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहा जाता है कि उसके चांस है ही आने के, कंफर्म है कि उससे रिलेटेड कोई ना कोई बात आपसे पूछ ली जाएगी। अब MCQs आ गए हैं तो अब भी पूछी जा सकती है, वरना प्रैक्टिकल सेक्शन जो आता था जिसमें प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते थे उसमें भी ये चीज जो है वो पूछी जाती थी, वो ये कि जब किसी CO2 गैस को लाइम वाटर में से पास कराया जाता है, लाइम वाटर यानी कि CaO का जो सॉरी लाइम वाटर का मीनिंग है CaOH का होल ट्वाइस, उसमें से जब हम CO2 गैस पास करते हैं तो जो सॉल्यूशन है वो मिल्की कलर का हो जाता है, दूधिया रंग हो जाता है उसका। ये तो है स्टेटमेंट कि जब CO2 को पास करते हैं लाइम वाटर में से तो वो जो कलर है सॉल्यूशन का वो मिल्की हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इसी CO2 को थोड़े से और ज्यादा अमाउंट में पास करा दे हम, जितना पहला था उससे थोड़ा और ज्यादा करा दे, तो मिल्कनेस डिसअपियर हो जाती है,
ऐसा क्यों? देखो उम्मीद तो ये थी कि मिल्कनेस पहले से ज्यादा बढ़ जानी चाहिए थी, क्योंकि पहले आपने CO2 डाली तो मिल्कनेस आ गई, और ज्यादा CO2 डालोगे तो और ज्यादा, जैसे एग्जांपल की बात करें आपने चाय बनाई, एक चम्मच चीनी डाली है तो चाय कम मीठी हुई, और अगर आपने चीनी दो चम्मच और डाल दी तो चाय फीकी होनी चाहिए या मीठी होनी चाहिए? तो रूल तो ये कहता है कि चाय और ज्यादा मीठी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा था। यहाँ लाइम वाटर में जब थोड़ा CO2 डाला तो मिल्कनेस आ गई, लेकिन जब ज्यादा CO2 डाला तो वो मिल्कनेस क्या हो गई? डिसअपीयर हो गई। अब वो डिसअपीयर हो गई तो वही चीज इन्होंने पूछी कि रीजन बताओ भैया कि ऐसा हो कैसे गया। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि जब CO2 रिएक्ट करती है लाइम वाटर के साथ तो जो प्रोडक्ट आता है वो आता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये वही है, याद रखना आपको कैल्शियम कार्बोनेट को यूज किया जाता है किन किन चीजों में? मार्बल्स जो होते हैं आपके, लाइमस्टोन जो होते हैं, ये जो चौक यूज किया जा रहा है ये भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही है हमारे पास। तो जो प्रोडक्ट बना वो कैल्शियम कार्बोनेट बना जब लाइम वाटर में CO2 पास हुई, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो प्रेसिपिटेट है, वो प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट का मीनिंग ये है कि वो सोल्यूबल नहीं है, तो जैसे ही वो पानी में सोल्यूशन में आया तो वो सोल्यूबल तो था नहीं। अब वो सोल्यूबल नहीं था तो उसकी वजह से सारा जो कलर है वो मिल्की हो गया, ठीक है। लेकिन जब आपने उसी सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड को और ज्यादा लार्ज अमाउंट में पास कराया तो फिर हमने क्या देखा कि वो जो कैल्शियम कार्बोनेट आपको मिल रहा था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? वो कन्वर्ट हो गया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में। और वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है क्या होता है? सोल्यूबल होता है वाटर में, और वो सोल्यूबल होने की वजह से वो जो सारी मिल्कनेस थी वो सोल्यूशन में घुल गई। घुलते ही मिल्कनेस क्या हो गई? डिसअपीयर हो गई। तो ये है ये कंसेप्ट, तो मैं इसको लिख देता हूं, आप नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये कि व्हेन CO2 गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स, तो वो क्या हो जाता है? मिल्की हो जाता है, इट टर्न्स मिल्की। ये तो स्टेटमेंट थी एक तरीके की, किसकी वजह से हो जाता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CaCO3, इसकी वजह से। रिएक्शन लिख देता हूं मैं पहले कि ये रहा आपके पास लाइम वाटर, आपने इसकी रिएक्शन करा दी CO2 के साथ और ये बन गया CaCO3, और साथ में क्या आ गया? वाटर आ गया। तो ये जो है ये मिल्की नेचर है। अब ये जो सॉल्यूशन आया आपके पास ये कैसा है? ये मिल्की है। अगर हम इसी सॉल्यूशन में CO2 और ऐड कर दें, बट इफ CO2 इज पास्ड इन एक्सेस अमाउंट में हमने पास कर दिया तो क्या हो जाता है? फिर जो मिल्कनेस है आपकी वो डिसअपीयर हो जाती है, खत्म हो जाती है। वो किसकी वजह से? ड्यू टू फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और फॉर्मूला है CaHCO3/2। और ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये क्या है? सोल्यूबल है। किसमें? वाटर में। तो रिएक्शन क्या कहती है कि ये जो प्रोडक्ट आया था पहला CaCO3 plus H2O, अगर आपने इसमें CO2 और मिला दी तो अब जो बनेगा वो क्या होगा? वो होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो सोल्यूबल है। दोबारा देख लीजिए, जब CO2 को लाइम वाटर में पास करते हैं तो मिल्क नेचर आ जाता है, मिल्की कलर हो जाता है सॉल्यूशन का, वो इसलिए क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो इनसोल्यूबल होता है। लेकिन अगर इसी सॉल्यूशन में थोड़ा सा और CO2 मिला दें
तो मिल्कनेस डिसअपीयर हो जाती है, क्योंकि अब जो प्रोडक्ट बना है वो है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो क्या है सोल्यूबल है। तो ये चीज पूछी जाती है आपसे। ये थी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड की। लास्ट टॉपिक एसिड का हमारे पास रह गया है और उसमें हम एसिड के यूज करेंगे। फिर इस चैप्टर का जो एसिड वाला पार्ट है वो हमारे लिए बिल्कुल फिनिश हो गया। फिर हम नेक्स्ट उसके बाद लेक्चर में बेस शुरू करने वाले हैं। अब हम करेंगे एसिड के यूज क्या क्या है, मेन से जो यूज है जो हमसे पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हेडिंग है आपके पास यूजेस ऑफ एसिड, क्या क्या यूज है हमारे पास एसिड के, एक एक करके हम लिख लेते हैं। देखिए पहला विनेगर, विनेगर एसिड है जिसमें कौन सा एसिड बताया था आपको, एसिटिक एसिड बताया था जिसका फॉर्मूला जो है वो होता है CH3COOH, ये फॉर्मूला अगर आपने याद रखना है। तो एक विनेगर सिरका को आप देखते हो खाने में यूज किया जाता है, फास्ट फूड चाइनीज फूड में हम इसको यूज करते हैं, अचार वगैरह डालने में हम इसको यूज करते हैं। तो कहां यूज होता है, इज यूज्ड टू प्रिजर्व, प्रिजर्व का मीनिंग है अचार को लंबे समय तक चलाने के लिए, प्रिजर्व पिकल्स, और उसके साथ कहां यूज होता है चाइनीज फूड में। ये है पहला यूज कि विनेगर जो है जिसके अंदर एसिटिक एसिड होता है फॉर्मूला दे रखा है उसको अचार को लंबे समय तक चलाने के लिए बनाने के लिए अचार को चाइनीज फूड बनाने में उसका यूज करते हैं। दूसरा है इन स्टमक, हमारे पेट के अंदर जब चैप्टर नंबर 6 आएगा लाइफ प्रोसेस का तो आप डिटेल में करोगे डाइजेस्टिव सिस्टम को, एक्सियल एसिड होता है जो क्या करता है, जो खाने को पचाने का काम करता है। एक्सियल एसिड जो है खाने को पचाने का काम करता है क्या करके, कि वो एसिडिक मीडियम बना देता है, मेक एसिडिक मीडियम पेट के अंदर, और वो एसिडिक मीडियम जो है वो क्या कर देते हैं मेक डाइजेशन इजी, कि वो डाइजेशन की प्रोसेस जो है उसको इजी कर देते हैं, मेक डाइजेशन प्रोसेस इजी। तो आपको याद रखना ये कि एससीएल जो हमारे पेट के अंदर है वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है और एसिडिक मीडियम ही जरूरी होता है किसके लिए, खाने को पचाने के लिए, डिटेल में हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। तीसरा यूज आ जाता है कोल्ड ड्रिंक, जो आप पीते हो उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, कोल्ड ड्रिंक कंटेन्स, कोल्ड ड्रिंक्स में होता है कार्बोनिक एसिड, तो आप कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला भी लिख लीजिए, लिखना है तो आपको H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला है। तो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो उसमें कार्बोनिक एसिड यूज किया जाता है बनाने के लिए उसको। नेक्स्ट है हमारे पास बोरिक एसिड, बोरिक एसिड को यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक के फॉर्म में, यूज एज एन, जैसे ही आपको चोट लगती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो ब्राउन कलर का एक लिक्विड वो लगा देता है आप उसको साफ करने के लिए, दवाई को चोट को सॉरी जो आपकी इंजरी है उसको साफ करने के लिए, उसके बाद पट्टी पे भी वो ब्राउन कलर की बीटाडीन भी आप जिसे बोल देते हो वो लगा के पट्टी कर देता है, उसके ऊपर बैंडेज कर देता है। तो बोरिक एसिड उसमें एंटीसेप्टिक में यूज किया जाता है। अगर फॉर्मूला यूज करना है बोरिक एसिड का तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला होता है H3BO3, ये बोरिक एसिड का फॉर्मूला है जो आपको क्लियर याद होना चाहिए। पांचवा यूज आ जाता है आपके पास सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट ये यूज किया जाता है प्रिजर्वेटिव इन फूड स्टफ, इज यूज्ड एज आ प्रिजर्वेटिव इन फूड स्टफ। आप जैसे यात्रा करते हैं हवाई यात्रा कर रहे हैं एरोप्लेन में हैं तो आपको पैक फूड दिया जाता है, अब वो पैक फूड क्या पता कितने दिन पहले पैक हुआ है तो वो खराब ना हो जाए पैकिंग में, इसलिए उसके अंदर क्या मिलाया जाता है वहां पर सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है जो उस खाने को लंबे समय तक चलाने रखने के लिए यूज किया जाता है। फॉर्मूला आप लिख लीजिए, सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला है C6H5COONA, ये फॉर्मूला है सोडियम बेंजोएट का। आप कंबाइन भी कर सकते हैं कार्बन 6 और एक 7H5NA और O2 है तो O2, किसी भी फॉर्म में आप इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ऊपर वाली फॉर्म आसान रहेगी।
क्योंकि जब चैप्टर नंबर आप 4 में कार्बन कंपाउंड्स करोगे तो इस तरीके के कंपाउंड्स हम करते हैं, तो आपको वो वाली फॉर्म आसान लगेगी बाद में। सिक्स्थ यूज आ जाता है हमारे पास नाइट्रिक एसिड, जिसे यूज किया जाता है बम वगैरह बनाने में, एक्सप्लोजिव थिंग्स बनाने में। नाइट्रिक एसिड इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोजिव्स एक्सेट्रा, डायनामाइट बम वगैरह बनाते हैं उसमें हम नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है नाइट्रिक एसिड का? फॉर्मूला है आपके पास HNO3, ये नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है आपके पास। 6 यूज हो गए, एक यूज और हम लास्ट लिख लेते हैं, 7 काफी हो जाएंगे आपके पास। ये है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला है H2SO4, यूज किया जाता है इज यूज्ड इन मेकिंग, क्या बनाने के लिए? बहुत सारी चीजें सल्फ्यूरिक एसिड से बनती हैं, जैसे कि डाइज जितनी होती हैं जो कलर बालों पे करते हो, कपड़ों पे करते हो, पेंट जो बनाया जाता है, फर्टिलाइजर, डिटर्जेंट जो आप बनाते हो कपड़े धोने के लिए, और बैटरीज वगैरह जो बनाई जाती हैं, उन सब में कौन सा एसिड यूज होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का जो यूज का एरिया है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि सबसे ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है। आप यहाँ भी देख लीजिए, डाइज में, पेंट में, फर्टिलाइजर, डिटर्जेंट, बैटरी, इसीलिए ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला एसिड है, तो हमने इसको एक नाम भी दिया, वो क्या है? किंग्स ऑफ केमिकल। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है किंग ऑफ केमिकल, कि ये केमिकल्स का क्या है? किंग है हमारे पास। तो ये हमारे पास एसिड के क्या थे? यूज थे। तो एसिड का कंप्लीट पार्ट हमारे पास यहां खत्म हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट जब हम शुरू करेंगे तो फिर वहां पर शुरू करेंगे हम बेस।